हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSP क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हिंदी का ये टॉपिक आपको पता है, हिंदी की इस टाइम पे ये लाइव क्लास हो रही है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान पटवारी वालों के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों राजस्थान पटवारी में भी हिंदी सब्जेक्ट है और राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी है उसमें तो सबसे मेन जो सब्जेक्ट है दोस्तों सिलेबस में वो हिंदी है, क्योंकि इंग्लिश का जो है कुछ ही क्वेश्चन है लेकिन हिंदी है वो सबसे अधिक है, तो हिंदी आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मानिए कि जिसने राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी अगर हिंदी में अपनी अच्छी पकड़ कर लेते हैं तो मानिए कि वो एग्जाम को फाइट कर सकते हो। तो अब दोस्तों चलते हैं हम टेस्ट की तरफ। आगे बढ़ने से पहले जो नए विद्यार्थी हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में लगाए बेल बटन जरूर दबाए, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी जितनी भी क्लासेज होती है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की, जो GK की होती है, उन सभी की आपको मिल सकेगी नोटिफिकेशन। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। दोस्तों इसका आंसर साथ के साथ जितने भी है वो साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखते रहे, चाहे अभी देख रहे हैं या इस क्लास के बाद भी कुछ बच्चे हैं जो देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे क्लास को, या मान लीजिए जब भी देख रहे हो इस क्लास को एक दिन दो दिन बाद, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ साथ के साथ आंसर लिखिए। जैसा कि लिख रहे हैं बच्चे, राइट आंसर है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें किस कारक की जो से है, से किस कारक की विभक्ति है। तो जो से होती है वो या तो करण की होती है या अपादान की होती है, लेकिन कल का जो टेस्ट था उसमें मैंने अपादान के बारे में बताया था कि अपादान कारक में क्या होता है, जब कोई वस्तु एक से दूसरे अलग हो रही हो और उसके बीच में जब से का प्रयोग हो रहा हो तो हम अपादान का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कुल्हाड़ी से वृक्ष अलग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है, करण कारक है। अगर यहीं पे ऑप्शन क्वेश्चन ये होता कि पेड़ से फल गिरा तो से आया बीच में और पेड़ से फल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए वहां अपादान होता, लेकिन यहाँ करण होगा। अगला क्वेश्चन, माँ ने बच्चे को सुलझाया, इस वाक्य में जो को है दोस्तों वो किस कारक की विभक्ति है। तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म जो को आता है वो किसके लिए आता है, कर्म के लिए आता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साथ के साथ ही आंसर लिखते चलिए कमेंट सेक्शन में, जैसा लिख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, और उन स्टूडेंट्स को मैं सभी जो लाइव उनसे कहना चाहता हूँ एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो जो, ताकि और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, दोस्तों अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या, ऑप्शन ए है अध्यापिका। दोस्तों हिंदी बहुत ही सब्जेक्ट जो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है ये, क्यों, क्योंकि बचपन से आप इसको बोलते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, और प्रैक्टिकली ये मानिए कि आप अपने जीवन में हिंदी को शुरू से ही है अपने जो है आपके बोलते हुए आ रहे हो। नायक, दोस्तों नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है ये आपको बताना है, तो दोस्तों जो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका दोस्तों लिखा हुआ है, ऑप्शन सी नायिका, नायिका हो जाएगा। जैसे कि कहीं पे गायक भी लिखा होता है, जो गायक होता है आपको पता है जो सिंगर होता है, तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, गायिका, उसी तरह नायक का नायिका। अगला क्वेश्चन है महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आपको बताना है महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो महास्य शब्द का दोस्तों जिसके पीछे से लगा हो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, महाशया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो दोस्तों नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है नेत्री। साथ के साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर इसलिए लिखने को बोलता हूँ ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आप जैसे क्वेश्चन को देखें, क्यों आपको पता है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका समय होता है दोस्तों। आपको चाहे कितने भी याद हो, कितने भी अच्छी तरह से आपको पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आते हो, लेकिन अगर आप समय की बचत नहीं कर रहे हो तो मान लीजिए आप एग्जाम को कभी फाइट नहीं कर पाओगे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है ये आपको बताना है, तो दोस्तों दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है ऑप्शन डी दात्री जो लिखा हुआ है ये होगा। हिंदी सब्जेक्ट दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे, कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, टेस्ट के माध्यम से आप जो है सारा सब कुछ हिंदी सब्जेक्ट समझ सकते हो। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है ये आपको बताना है, तो दोस्तों काफी इसमें मुझे पता है कंफ्यूज होते हैं बच्चे और इंद्राणी करते हैं दोस्तों, जैसे कि बी और डी में लिखा है इनमें से कुछ करते हैं, लेकिन राइट आंसर जो आपका क्या होगा ऑप्शन सी होगा, इंद्राणी, लास्ट में नी आएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है।
टेस्ट इसीलिए है कि आप एग्जाम में गलती ना करें। यह दोस्तों यह आप जानते हो चय छय जय झय और यह, ये जो यह शब्द है इसका उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था दंत क्या होता है, दंतालु तालु मूर्धा पीछे की क्लासेज में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाए, जो यह वो तालु से इसका उच्चारण होता है, तालु स्थान से। अगला क्वेश्चन है ऊ, दोस्तों ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो क्या है, यानी स्थान बताना है कौन सा होगा, तालु ओष्ठ कंठ या दंतालु, तो आप बोल के ही पता कर सकते हो कि ओष्ठ है दोस्तों, ओष्ठ द्वारा जो है ऊ की ध्वनि का उच्चारण होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है, दोस्तों समुच्चय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो समुच्चय का क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी है सम प्लस उत प्लस आय समुच्चय, दोस्तों सम प्लस उत से क्या हो जाएगा समुच्चय और प्लस जो उत प्लस आय उससे समुच्चय हो जाएगा, टोटल मिला के ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आपने छठी सातवीं आठवीं क्लास में, ये नॉर्मल है जो कि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं और यही आप पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट आंसर दिया है ऑप्शन सी, जो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, दोस्तों महेंद्र महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है, चाहे महेंद्र हो सुरेंद्र हो इनके बीच पीछे क्या लगा है दोस्तों, इंद्र लगा हुआ है, तो महा प्लस इंद्र ऑप्शन सी जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या आप जा रहे हैं, तो क्या में कौन सा निपात है, दोस्तों अगर आपने हिंदी में पढ़ा है सिलेबस में तो निपात होगा, निपात के बारे में आपने पढ़ा होगा, निपात नौ प्रकार के होते हैं मैं आपको बता दूं, और वो नौ अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, यहाँ ओनली टेस्ट करवाया जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो क्या में कौन सा निपात है दोस्तों, तो देख पा रहे हो यहाँ पे प्रश्नवाचक बन रहा है, तो प्रश्न बोधक ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं भी ये जानता हूँ, इस वाक्य में भी जो भी लिखा है दोस्तों इस वाक्य में ये कौन सा निपात है, मैं भी ये जानता हूं, तो दोस्तों देख सकते हो मैं भी, तो यहाँ एक तरह से बल लगाया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों कि बलदायक निपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा कि झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत जो लिखा है दोस्तों मत ये कौन सा निपात है, तो मत का मतलब होता है एक तरह से ये मनाई कर रहे हैं दोस्तों, मना मतलब ऑप्शन डी जो आपका निषेध बोधक जो ये निपात हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने कहा हिंदी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, आपको बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, पढ़ना है क्वेश्चन को ध्यान से और आंसर देना है। क्वेश्चन है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक जो तक लिखा है दोस्तों कौन सा निपात है, तो आने तक दोस्तों प्रतीक्षा करनी होगी, तो यहाँ एक तरह से बल लगाया जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका जो बलदायक निपात यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पशु पक्षी अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही का जो है ये कौन सा निपात है, जो ही लिखा हुआ है ये कौन सा निपात है, तो दोस्तों ही जो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन जो आपका लिखा हुआ है बी जो दोस्तों बलदायक यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है, तो दोस्तों अगर आप रेगुलर है तो मैंने आपको बताया था जहां भी ये जो चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों ये देख सकते हो आप, इस चिन्ह पे जहां भी आ जाए तो इसका मतलब एक तरह से आश्चर्य की बात हो रही है दोस्तों, जहां कहीं भी हिंदी में आपको मैं अभी बताता हूँ, पीछे मैंने आपको बताया कि आंख बंद करे आपको जहां ये विस्मय दि बोधक लिखा है या विस्मय जो भी लिखा होता है विस्मय वाचक ये आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जहां पर ये चिन्ह लगाओ। अगला क्वेश्चन है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताने, तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, नौ प्रकार के, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।